हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रेड स्वान के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने इसे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम दोयोन को देखते हैं जो कि कमिश्नर से मिलने के लिए आया हुआ था। कमिश्नर कहते हैं, आखिर तुम उससे क्यों मिलना चाहते थे? दोयोन कहते हैं, आपने जू ह्यूक के केस की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? आपने उसके केस पर पर्दा क्यों डाल दिया? कमिश्नर कहते हैं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि जू ह्यूक का किसी ने मर्डर किया है। मैं ऐसे किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकता। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, डुओ ने अपनी वसीयत में बहुत सारा पैसा छोड़ा है और उसमें स्लश फंड भी शामिल है। जिसने भी जू ह्यूक को मारा है उसका जरूर स्लश फंड से कोई रिलेशन है। अगले सीन में हम वांस और किम को देखते हैं। ये दोनों प्लेन में होते हैं और स्विट्जरलैंड जा रहे थे ताकि वहाँ से वांसु पैसे ला सके। फिर से शिफ्ट होता है और हम दोयोन को देखते हैं, वो किचन में होता है। फिर हम लीजिन को उसके रूम में देखते हैं, वो अपनी चोट पर बैंडेज लगा रही थी। उसके बाद लीजिन किचन में आती है लेकिन दोयोन लीजिन से टकरा जाता है जिसकी वजह से दोयोन के हाथ से बोतल नीचे गिर जाती है, लेकिन लीजिन उसे पकड़ लेती है। दोयोन लीजिन से पूछते, क्या तुम लेफ्ट हैंडेड हो? पर लीजिन मना करती है। फिर दोयोन कहते, क्या तुम चाइनीज लैंग्वेज बोल सकती हो? लेकिन लीजिन इसके लिए भी मना करती है। दोयोन ये सब इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जिसने भी जू ह्यूक को मारा है उस समय वो चाइनीज लैंग्वेज बोल रहा था। लीजिन कहती है, आखिर बात क्या है? पर दोयोन कहते हैं कि कुछ नहीं। उसके बाद दोयोन अपने रूम में आ जाता है और उसी सीन को याद करता है कि कैसे वो आदमी जू ह्यूक को मार रहा था। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि वो एक लेडी भी हो सकती है। फिर से शिफ्ट होता है और हम वांसु और किम को देखते हैं। ये दोनों बैंक में आ गई थी। पहले वांसु का बायोडाटा चेक होता है और फिर उसकी फिंगरप्रिंट स्कैन होती है। उसके बाद ये दोनों उस पैसे को देख रहे थे। अगले सीन में चेयर वुमेन और किम को देखते हैं, साथ में यंगमिन भी होता है। यंगमिन हंस रहा था और कह रहा था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सारा पैसा होगा। हम इस पैसे को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। लेकिन किम कहते, ऐसा नहीं होगा, ये पैसा फाउंडेशन का है और वांसु ही इस पैसे को यूज करेगी। लेकिन चेयर वुमेन कहती है, वो पैसा हमारा है, तुम हेन ग्रुप के उत्तराधिकारी बनने वाले हो, ये पैसा हेन ग्रुप में यूज होगा। यंगमिन कहते, ऐसा नहीं हो सकता, उस पैसे का बंटवारा होना चाहिए। चलो उस पैसे को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। वैसे भी आप तो बूढ़ी हो गई हो, आप उस पैसे का क्या करोगी? किम कहता है, वो पैसा वांसु का है और वो ही उसे यूज करेगी। फिर किम यहाँ से जाने लगता है पर यंगमिन उसे पकड़ लेता और कहता, ऐसा नहीं हो सकता। किम कहते, उस पैसे से दूर रहो, वैसे भी तुम इस घर के नहीं हो। यंगमिन कहते, ये तुम क्या कह रहे हो? किम कहते, तुम जानते हो कि मेरे कहने का क्या मतलब है। जैसे तुम अब चुपचाप जी रहे हो वैसे ही जीते रहो। फिर किम इन दोनों से कहता है, डैड की डेथ नहीं हुई थी बल्कि उन्हें मारा गया था। चेयरवुमेन कहती, तुम्हें ये कैसे पता? किम यंगमिन से पूछते, क्या तुम ये बात जानते थे? पर यंगमिन कहते, मुझे ये नहीं पता था। किम कहते, क्या ये काम हानसंग का हो सकता है? पर यंगमिन कहते, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। किम कहते, वो पैसा मेरे डैड का था और मेरे डैड यही चाहते थे कि वो पैसा वांसु को मिले, इसलिए ऐसा ही होगा। फिर किम यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में यंगमिन को देखते हैं, वो हानसंग से मिलने आता है। हानसंग कहते, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने डुओ को क्यों मारा? पर यंगमिन कहते, अब तुम उसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम भी तो उस समय वहीं पर थे, तब तुमने कुछ क्यों नहीं पूछा? फिर हानसंग एक फ्लैशबैक सीन याद करता है। वो डुओ के ऑफिस में आता और देखते हैं डुओ नीचे पड़ा हुआ था और उसकी डेथ हो गई थी। पास में यहाँ पर यंगमिन होता है और उसके हाथ में गोल्ड बिस्किट होता है, इसी से यंगमिन ने डुओ को मार दिया था। प्रेजेंट में यंगमिन हानसंग से कहते, चलो वांसु को मार देते हैं। लेकिन हानसंग कहते, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वांसु के बिना हम वो पैसा नहीं निकाल सकते। यंगमिन कहते, ठीक है, जैसे वो पैसे निकाल लेगी हम उसे मार देंगे, वो पैसा सिर्फ हमारा है। फिर यंगमिन यहाँ से चला जाता है। फिर से ही शिफ्ट होता है और हम वांसु को देखते हैं, साथ में किम होता है। ये दोनों एयरपोर्ट पर आ गए थे और पैसे को ले आए थे। यहाँ पर दोयोन और लीजिन भी आ जाते हैं। लीजिन इस पैसे को ले जा रही थी। दोयोन उसे जाते हुए देख रहा था और उसे मिस्टर एल यानी कि जिसने जू ह्यूक को मारा था उससे कंपेयर करता है। दोनों के चलने का स्टाइल सेम है। अगले सीन में हम चेयरवुमेन और हानसंग को देखते हैं। चेयरवुमेन कहते हैं, मेरे पास एक आइडिया है, इन सब में हम वांसु के भाई की हेल्प ले सकते हैं। वांसु जो पैसा लेकर आ रही है ह्यूनसु से चुरा लेगा और बाद में हम ह्यूनसु पर ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर देंगे, वांसु कुछ भी नहीं कर पाएगी। हानसंग कहते हैं कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। चेयरवुमेन खुद से कहती है, ये मेरी कभी भी नहीं सुनता, बाप बेटे दोनों ही लालची हैं। अगले दिन हम वांसु को देखते हैं, साथ में ह्यूनसु और दोयोन होते हैं। ह्यूनसु इसे वही लेजर्स ले रहा था ताकि वो हानसंग को दे सके।
पर दोयन कहती है लेजर्स ही सब कुछ है, इनकी हेल्प से ही हमें पता चल सकता है कि इनके पीछे कौन है। ह्यूनसु कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इन सब के पीछे यंगमिन है या फिर हानसंग, पर वो दोनों ही इनोसेंट है। दोयन कहते तुम्हें सावधान रहना चाहिए, स्लैश फंड की वजह से ही वांसु पर कई बार हमला हो चुका है। ह्यूनसु कहता है वो जानते हैं कि हमारे पास ही लेजर्स हैं, तो तुम्हें और सबूत लाने चाहिए। दोयन इन्हें एक फोटो दिखाकर कहता है यंगमिन हानसंग का बेटा है। इस बात को सुनकर ये दोनों चौंक जाते हैं। दोयन कहते हैं हानसंग को हेन ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, उसे बस स्लश फंड से मतलब है, ताकि वो उन पैसों को यंगमिन को दे सके। वांसु कहते हैं क्या यंगमिन ने मुझे मारने की कोशिश की थी। दोयन कहते हैं लगता तो ऐसा ही है। वैसे तुम लीजिन के साथ अकेले मत रहना, मुझे उस पर शक है, मैं उसके बारे में पता कर रहा हूँ। हो सकता है उसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की हो और वो किसी के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही हो। ह्यूनसु ये लेजर्स ले लेता है और दोयन से कहता है मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा जहाँ मैं हानसंग से मिलने वाला हूँ। फिर दोयन वांसु से पूछते क्या लीजिन चाइनीज लैंग्वेज बोल सकती है, पर वांसु को इसके बारे में पता नहीं होता। ह्यूनसु कहते मैं बस इतना जानता हूँ कि उसने पुलिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। उसके बाद ह्यूनसु यहाँ से चला जाता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम किम को देखते हैं जो कि पहले पीटर से बात करता है, फिर वो तायरा को कॉल करता है, साथ में उसकी मॉम होती है। जेंगसु तायरा से पूछती है किम को तुमसे क्या बात करनी थी। तायरा कहती है वो जुनही से मिलना चाहता है। जेंगसु कहती है क्या वो जुनही को किडनैप करने वाला है। तायरा कहती है वो ऐसा क्यों करेगा, जुनही उसका बेटा है। अगले सीन में सोडायम को देखते वो यंगमिन के पास आते और चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने हवाइन बायो के स्टॉक्स खरीदने के लिए कंपनी के फंड में घपला किया है। यंगमिन कहते हैं हाँ मैंने ऐसा किया था ताकि मुझे प्रॉफिट हो सके। सोडायम कहते मेरी कंपनी का पैसा तुम्हारा नहीं है, तुम हवाइन ग्रुप से कुछ भी नहीं लाए और खाली हाथ आ गई। तुमने मेरे जितने भी पैसे लिए हैं वो मुझे वापस कर देना, वरना मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रही हूँ, मुझे मेरे पैसे लौटा देना वरना तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। फिर से शिफ्ट होता है और हम किम को देखते हैं वो जुनही से मिलता है। ये दोनों बैठकर बात कर रहे थे। किम कहते हैं मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। जुनही कहते हैं मैं जानता हूँ आप वाइस चेयरमैन हैं और साथ ही मेरे डैड भी। किम कहते हैं अब मैं तुम्हारी मॉम से ब्रेकअप करने वाला हूँ। ये सुनकर जुनही रोने लगता है और कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ। यहीं पर हम गाड़ी में तायरा और जेंगसु को देखते हैं जो कि सोच रहे थे कि ये दोनों क्या बातें कर रही हैं। किम जुनही से कहते हैं कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। जुनही कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तो हम मिल सकते हैं ना। किम कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, और वो जुनही को हग कर लेता है। फिर हम जुनही को तायरा और उसकी मॉम के साथ देखते हैं। तायरा और उसकी मॉम रो रही थी क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि क्या बात है। फिर हम रात को दोयन को देखते हैं जो कि किचन में होता है। तभी उसे ह्यूनसु का मैसेज आता है कि हम हान रिवर पर मिलने वाले हैं। दोयन यहाँ से जा रहा था तभी वो देखता है कि लीजिन भी कहीं जा रही है। दोयन उसे पूछते कि तुम कहाँ जा रही हो। लीजिन कहती मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, और फिर वो यहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम हान रिवर के पास ह्यूनसु को देखते हैं। दोयन भी यहाँ पर पहुँच गया था जो कि ह्यूनसु को देख रहा था। तभी यहाँ पर हानसंग भी आ जाता है। दोयन यहाँ पर कैमरा फिट कर देता है। हानसंग ह्यूनसु से कहता है कि तुम पैसे लेकर कनाडा जाने वाले हो, कि तुम्हारी बहन को इस बारे में पता है, पर ह्यूनसु मना करता है। हानसंग कहते हैं कि ठीक है अब मुझे वो लेजर्स दे दो, लेकिन ह्यूनसु कहते हैं इससे पहले मैं कुछ जानना चाहता हूँ, वांसु को मारने की कोशिश किसने की थी। पर हानसंग कहते मैं नहीं जानता। ह्यूनसु कहते मैं अपनी बहन को किम से डाइवोर्स के लिए मना लूंगा और वो नाव फाउंडेशन को भी छोड़ देगी, लेकिन हानसंग कहते मैंने कहा ना मैं इस बारे में नहीं जानता। फिर वो ये लेजर्स ले लेता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर लीजिन आती है और वो ह्यूनसु की गर्दन पर चाकू से मारती है। दोयन ये सब कुछ देख लेता है और ये सब कुछ कैमरे में भी रिकॉर्ड हो जाता है। फिर दोयन लीजिन का पीछा करता है और वो भागते हुए लीजिन की कमर में चाकू मार देता है, लेकिन लीजिन किसी तरह बचकर यहाँ से भाग जाती है। बाद में दोयन ह्यूनसु के पास आता है और उसे संभालता है। फिर दोयन एम्बुलेंस को कॉल करता है। वहीं हम लीजिन को देखते जो कि घायल हो गई थी। फिर हम हानसंग को देखते वो प्रोस्टिक्यूटर ऑफिस में कॉल करता है और कहते मैं एक रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ जो कि हवाइन ग्रुप और नाव फाउंडेशन के बीच है। अगले सीन में प्रोस्टिक्यूटर को देखते जो कि घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्योन आ जाते हैं और इन्हें अंदर जाने से रोकती है। ऑफिसर कहते हैं हम चेयर वुमेन से मिलने के लिए आए हैं। ब्योन कहते हैं अभी हमारा लॉयर यहाँ पर नहीं है। फिर ब्योन हानसंग को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाता। बाद में ब्योन इसके बारे में चेयर वुमेन को बताती है। फिर हम देखते हैं वो ऑफिसर अंदर आ जाते हैं, साथ ही यहाँ पर किम भी होता है। ऑफिसर चेयर वुमेन से कहता है हमारे पास आपके समन्स हैं, मैं पर्सनली आपको वो देने के लिए आया हूँ, क्या मुझे आपके लॉयर की वेट करनी चाहिए।
किम कहता है आप वो समन्स मुझे दे दीजिए। फिर ये ऐसा ही करते हैं और उसके बाद ये ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं। फिर से शिफ्ट होता है और हम दोयोन को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो उसी वीडियो को देख रहा था कि किस तरह लीजिन ने ह्यूनसुक पर अटैक किया। दोयोन कहते हैं जो ह्यूक को भी जरूर लीजिन ने ही मारा होगा। तभी डॉक्टर बाहर आता है और दोयोन से कहते हैं कि हम ह्यूनसुक को नहीं बचा पाए। अगले सीन में हम देखते हैं सभी मीडिया वाले घर के बाहर होते हैं क्योंकि चेयरवुमेन के समन आए हैं। चेयरवुमेन भी ये सब देख रही थी और ब्योन से पूछे कि हांसंग कहाँ पर है। वहीं हम दोयोन को देखते वो वांसु के पास आता है और उसे बता देता है कि ह्यूनसुक की डेथ हो गई है। ये सुनकर वांसु शॉक हो जाती है और कहती है मुझे उनसे मिलना है, लेकिन दोयोन उसे रोकता है और कहते तुम अभी नहीं जा सकती, बाहर मीडिया वाले आए हुए हैं। फिर हम देखते हैं वांसु रोने लगती है और कहती है मैंने अपने भाई को भी खो दिया। दोयोन किसी तरह वांसु को संभालता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम हांसंग को देखते हैं, वो घर पर आ जाता है। चेयरवुमेन कहती है तुम अभी तक कहाँ पर थे, पर हांसंग बहाने बनाने लगता है और कहता है हमें वांसु और दोयोन के अफेयर की न्यूज़ फैला देनी चाहिए, फिर मीडिया वाले आपके बारे में भूल जाएंगे। वहीं हम मीडिया वालों को भी देखते हैं, इनके पास वांसु और दोयोन के अफेयर की न्यूज़ आ गई थी। फिर हम वांसु को देखते हैं जो कि अपने भाई को देखने की जिद कर रही थी। यहाँ पर दोयोन, सेक्रेटरी योन और साथ में ब्योन भी होती है। वो वांसु को ऐसा ना करने के लिए कहते हैं। दोयोन भी सेम ऐसा ही कहता है, लेकिन वांसु योन से कहती है ह्यूनसु की वाइफ एयरपोर्ट पर आ गई है, तुम उन्हें देख लेना। योन कहती है कि ठीक है। फिर वांसु वापस ऊपर चली जाती है। फिर से शिफ्ट होता है और हम सोडायम को देखते हैं। वो यंगमिन के पास आती है। यंगमिन कहते हैं मैंने सुना है कि वांसु के भाई की डेथ हो गई है। सोडायम कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि मुझे मेरे पैसे लौटा दो। फिर सोडायम किसी को कॉल करने लगती है, पर यंगमिन उसे रोक लेता और कहते हैं तुम्हारे डैड ने ही मुझे परमिशन दी थी। सोडायम कहती है तुम क्या बोल रहे हो। यंगमिन उसे कुछ फोटोज दिखाता और कहते तुम्हारा अफेयर चल रहा है ना, मैंने ये सब तुम्हारे डैड को दिखा दिया। सोडायम यंगमिन को मारती और कहती है कि तुम उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हो। यंगमिन कहते हैं कि हाँ। सोडायम कहते तुम बहुत ही बेकार इंसान हो, मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहती हूँ। पर यंगमिन कहते मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगले सीन में हम वांसु को देखते साथ में दोयोन होता है। ये दोनों ह्यूनसु के फ्यूनरल में आए हुए थे, साथ ही यहाँ पर ह्यूनसु की वाइफ भी होती है। फिर से शिफ्ट होता है और हम चेयरवुमेन को देखते हैं जो कि प्रोस्टिट्यूशन ऑफिस से बाहर आती है और यहाँ से जा रही थी। साथ में हांसंग होता है। फिर हम देखते हैं ये दोनों एक होटल में आ जाते हैं। चेयरवुमेन कहती है तुमने ह्यूनसु को क्यों मरवाया। हांसंग कहता है उसे जुए की लत लग गई थी, मुझे तो लगता है इसी वजह से किसी ने उसे मार दिया। चेयरवुमेन कहती है मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं मिला। हांसंग कहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि हवाइन ग्रुप का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। चेयरवुमेन कहती है कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि उत्तराधिकारी यंगमिन बनेगा। हांसंग कहते हैं वो उत्तराधिकारी नहीं बन सकता क्या। चेयरवुमेन हंसने लगती है और कहते हैं फिर लोग क्या सोचेंगे और हमारी कंपनी, हमारी रेपुटेशन का क्या होगा, सब मुझे कंक्यूबाइन कहेंगे। फिर से शिफ्ट होता है और हम ह्यूनसु की वाइफ को देखते हैं। वो दोयोन को एक पेन ड्राइव देती है और कहती है ह्यूनसु ने ये मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। उसके बाद दोयोन हांसंग के रूम में आता है और उसके लॉकर में पेन ड्राइव को रखता है। साथ ही वो एक फ्लैशबैक सीन याद करता है कि उसने पहले ही किसी को बता दिया था कि ह्यूनसु के पास कुछ एविडेंस है जो कि अभी हांसंग के लॉकर में है, आपको अभी उसकी जांच करनी चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।